नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसका अगर रोजाना एक चम्मच खाली पेट ले लिया तो आपको कभी भी असाध्य रोग नहीं होगा, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी पैरालिसिस नहीं होगा, कभी भी कमर दर्द नहीं होगा, कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। दोस्तों यह बीमारियाँ न तो कभी होगी, अगर हो चुकी है तो यह जड़ से खत्म हो जाएगी। यह बहुत ही कमाल की औषधि है। कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या फिर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, आपके जोड़ों के अंदर गैप बन चुका है, या फिर नसों में ब्लॉकेज आ रही है, यानी पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या फिर आपको स्किन से संबंधित कोई बीमारियाँ है, तो आपको रोज़ाना इसका सेवन 2 से 3 चम्मच एक ग्लास हल्का गुनगुना पानी के साथ करना चाहिए। दोस्तों यह औषधि है गौमूत्र। इसमें कई तरह के रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, अनोमिया, कैरोटीन, स्वर्ण सार पाया जाता है। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर इसे रोजाना सुबह खाली पेट 2 से 3 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके ले लेते हैं तो आपको कभी भी डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। दोस्तों यह औषधि गठिया रोग यानी अर्थराइटिस को भी ठीक कर सकती है, लेकिन इसका सेवन आपको रोजाना 3 से 4 महीने तक करना होगा। दोस्तों यह औषधि कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। गौमूत्र में मौजूद यूरिक एसिड और एलाटोइन एंटीकैंसर गुण होते हैं। इसके अलावा गौमूत्र में कीमोप्रेविटिव गुण होता है जो कैंसर से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों यह वजन को भी कम करने में मदद करता है। इसे अगर सुबह खाली पेट लगातार लेना शुरू कर दिया तो आपके वजन को बढ़ने नहीं देगा। इसमें एंटी ओबेसिटी गुणों के कारण यह वजन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों इसका सेवन करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। गौमूत्र में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण रोगाणु को नष्ट करने के साथ साथ यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। आपको सर्दी खांसी और जुकाम जैसे संक्रमण से यह बचाए रखता है। अगर आपको दांतों से जुड़ी कोई समस्या है तो यह इसे भी ठीक कर सकता है। दांतों में दर्द या फिर पायरिया होने पर गौमूत्र का कुल्ला करने से दांतों में दर्द या फिर पायरिया से छुटकारा मिलता है। किडनी के स्वास्थ्य के लिए गौमूत्र का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों को किडनी खराब हो चुकी है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, उनको सुबह खाली पेट 2 से 3 चम्मच पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। इसे किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। दोस्तों जिन लोगों को अस्थमा यानी दमा की बीमारी है उनके लिए तो यह अमृत समान है। इसे लगातार 1 महीना तक सुबह खाली पेट 15 से 20 ml गर्म पानी के साथ मिक्स करके ले लिया तो आपको दमा की बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी, सांस फूलना में भी आराम मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सुबह प्राणायाम का भी अभ्यास करना होगा। कम उम्र के बच्चों या फिर गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें ताकि आपके सवालों का जवाब वहाँ पर हम अच्छे से दे पाए। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।